गया, काफ़ी लंबा टाइम है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बाकी जो एक प्रक्रिया होती है सरकार के माध्यम से जो होती है वो भी चल रही है, हमारी सरकार का विरोध भी चल रहा है, और ये जो आंदोलन है इसको हम उग्र ना करके शांतिप्रिय तरीके से जो इनका जो इनका संयम तोड़ने का हम काम करेंगे। और इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनका पता नहीं होता कितना लंबा चल रहा है, लेकिन किसान ने कमर कस ली है, किसान नहीं है धरती पुत्र है, धरती पुत्र ने कमर कस ली है और बहुत लंबा संघर्ष करने के लिए मन बना लिया है। आदमी मन से थकता है, दिमाग से थकता है, शरीर से नहीं थकता कभी, तो इन्होंने मन बना लिया, दिमाग बना लिया, अब इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और आज हम भी गुड़िया खाप भी मैदान में कूद चुकी है और बहुत बढ़िया तरीके से हम जो है अपने किसानों की जो मांगे हैं वो तो जो डिमांड रख रखी हैं वो तो रखी रखती हैं, वो अनेकों संगठनों ने अब खापें भी आ गई कई दिन से, तो बढ़िया तरीके से ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे सरकार के घुटनों को हम तोड़ने का काम करें। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अभी हम सारे खापों की सरदारी बैठी है, हम चर्चा करेंगे इस विषय में और फिर अगली जो ब्रीफिंग होगी उसमें आपको सूचित किया जाए। ज्ञापन भी दिया है आज आपने? आज ज्ञापन भी दिया राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के नाम जो है डीसी साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। संचालन कर रहे तमाम संगठनों लोग हमारे साथ हैं, सारे सभी बढ़िया मंत्री जो ना हमारा चल रहा है और आगे इसको काफी लंबा खींचेंगे बढ़िया तरीके। जो सरकार ये चाह रही है ना, जो उनकी मंशा है वैसी ही मंशा हम धीरे धीरे उन्हीं जैसी मंशा बना। किसान समाज इन कानूनों को हित मानने को तैयार नहीं है, इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है और सभी जिलों से सभी गाँव से हर तरह से आंदोलन उठा हुआ है। अभी सरकार को चाहिए कि हमारी इन मांगों पर ये लास्ट फैसला कर लिया है, सरकार से तीनों काले कानून रद्द करवा कर ही वापिस जाएंगे। भाई राजेश धामी, पूरा किसान, सब किसान मजदूर सब भाई माफी का आगे हेलो देखो जी, कोई बात नहीं, इसकी माफी मांगते हैं, ये किसी एक जात का, एक जिले का, एक प्रदेश का नहीं है, ये 36 बरादरी का पूरे भारत का जन आंदोलन है। इसमें कोई छोटी मोटी गलती होगी तो उसको नेता ने माफ कर दिया। किसान एकता,
तस्वीरें भी साहब सेन माननीय